थे जल में, लग रहा है ना सुपर अमेजिंग। फ्रॉम एरिजोना ना, ये के सो दे ऑल आर फ्रॉम जर्मनी आल्सो यूएस। इज जर्मन, शी इज फ्रॉम माइंस एंड नाउ आई हैव वन मोर जर्मन फ्रेंड। ये डांक शून वनीसा, दैट्स सो स्वीट। इन जर्मनी गाइज, और आज मैं आपको लेके जाऊंगी स्पेन बार्सिलोना। ये मेरा लाइफ का फर्स्ट टाइम एवर सोलो ट्रिप है, और यस ये टूर का मैं आपको कॉस्ट, ट्रैवल, हॉस्टल का टूर भी दिया है मैंने। ये सब चीजें मैं आपको वीडियो के एंड में शेयर किया है। कम टू बार्सिलोना स्पेन गाइज, और एयरपोर्ट पे सबसे पहले मैं आ गई है टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर पे। एयरपोर्ट पे आपको टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर्स रहते हैं, डिपेंड करता है आपको कितने दिन का ट्रैवल कार्ड चाहिए। फॉर एग्जांपल 48 आवर्स, 24 आवर्स। सो मैंने 48 आवर्स का यू नो ट्रैवल कार्ड लिया, 16 यूरोस पे किया। आई कैन यूज इट इन बस, ट्रैम, एवरीवेयर। सो नाउ चलो लेट्स गो मेट्रो के यहाँ पे। और वो रीजनल टिकट लेने के बाद उस बंदे ने ये भी बताया कि कैसे जाना है, तो उससे हम लोगों ने रूट लिया। तो L9 पकड़ना था, चलते चलते आ गए, और ये है इन लोगों का ऐसा स्टेशन, यहाँ से भी ट्रेन आएगी, एक स्टॉप है, उसके बाद और एक दूसरा ट्रेन चेंज करना पड़ेगा। चलो डे वन इन बार्सिलोना गाइस, वेलकम होला स्पेन। जर्मन में बोलते हैं, सॉरी जर्मन क्या बोल रही हूँ, स्पैनिश में बोलते हैं होला। होला इज लाइक हेलो। और ये पीछे आप देख रहे हो, दिस इज द जनरेटर हॉस्टल। और अभी जा रही हूँ मैं टापास एंड वाइन वाला, टापास एंड वाइन का कुछ वॉकिंग टूर बुक किया था मैंने, गाइडेड, यू नो गाइडेड टूर है, लोकल्स देंगे। सो चलो अभी वहाँ पे जाते हैं। मेट्रो स्टेशन पे ये टिकट ऐसे पंच करना रहता है टू गेट इट वैलिडेट। ये टिकट आप अनलिमिटेड ट्रैवल्स के लिए यूज कर सकते हो, बस, ट्रैम, हर एक जगह पे। ये टिकट आपको ट्रेन स्टेशन पे भी मिल जाते हैं। हमारा गाइड हम लोग को एक्सप्लेन कर रहा था अबाउट टापास, कैसे ओरिजिनली कहाँ से आया है एंड ऑल। सो टापास ये जो है, ये बेसिकली फेमस लोकल स्पैनिश कुजीन है, ट्रेडिशनल या लोकल स्पैनिश फूड बोल सकते हो। अगर आप स्पैनिश फूड के बारे में बात करोगे तो सबसे पहले आता है टापास। उसी के साथ हम लोग को वाइन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टापास टेस्ट करने के लिए मिले ये टूर में। वॉकिंग टूर टापास और वाइन का, दे बोथ आर फ्रॉम एरिजोना ना, यूएस। हाय, एंड शी इज फ्रॉम यूके ना, या यूके। या सो द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस, यू मीट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड आई विल इंट्रोड्यूस देम। एंड हेलो, सो दे ऑल आर फ्रॉम जर्मनी। So, you guys are from Frankfurt? Yeah. Oh, Frankfurt. So, yeah, I'm meeting your people from all over the world. And what's the best part is meeting Germans here also. Oh. And they both are from also US. Hello. And that's our guide. And you can see. Bucveria, this is the famous Spanish ka Barcelona ka food market. It is must visit in your Barcelona trip. Because before 1835, this market was not a market, it was actually a monastery. टापास और वाइन ये टूर में हम लोग को बहुत अच्छे से खाने पीने के लिए मिला, हमारा अच्छा सा डिनर ही हो गया था इनफैक्ट। और चलते चलते हम लोग पहुंच गए बार्सिलोना के अनदर टूरिस्टी प्लेस पे, दैट इज नोन एज कॉथिक क्वार्टर। ये है हिस्टोरिकल प्लेस बार्सिलोना का। तो अगर आप स्पेन, बार्सिलोना ही क्या, कोई भी कंट्री विजिट कर रहे हो, आई वुड पर्सनली रिकमेंड यू एक ऐसे लोकल गाइडेड टूर तो ज़रूर लेना, उससे आपको वो कंट्री के बारे में और अच्छे से पता चलता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये टूर में जो भी स्पैनिश फूड था वो कंप्लीट नॉन वेजिटेरियन था, तो आपको वेजिटेरियन ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। सो आप ये टूर बुक करते वक्त ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना।
मॉर्निंग गाइज, इट्स डे टू इन बार्सिलोना और जो पीछे आप देख रहे हो दिस इज बार्सिलोना का कैथेड्रल. सो या एक्चुअली अंदर जाने के लिए भी इधर कुछ टिकट्स है और मतलब हम लोग तो बाहर से ही अभी फोटोशूट निकाल लेंगे. Yalta, you know that table from which the priest speaks from? It's right inside here, right here. अभी जा रही हूँ ये गाइडेड टूर से दिस ह्यूज कैथेड्रल में. लग रहा है ना सुपर अमेजिंग, कितना अमेजिंग लग रहा है देखो. इसके अंदर का तो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है. सुसी चर्च है ये, वर्ल्ड का अनफिनिश्ड चर्च है. सिंस लास्ट 150 इयर्स से इसका कंस्ट्रक्शन शुरू है. अभी चलो आपको अंदर से ये मैग्निफिसेंट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट चर्च दिखाती हूँ. इट इज लाइक सच में इतना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है ना ये चर्च का. और यहाँ पे अंदर आपको 45 मिनट्स मिलता है आप गाइडेड टूर से जब आते हो तो. गाइडेड या ऑडियो टूर ऑप्शन होता है. आई वुड पर्सनली सजेस्ट गाइडेड टूर लेना बिकॉज गाइड आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है. और ये क्योंकि इससे पहले जब मई में मैं रोम गई थी ना वहाँ पे भी मैंने इतना ऐसा ही गाइडेड टूर लिया था एंड आई हैड एन वेरी गुड एक्सपीरियंस. तो उसके ब्लॉग्स आने बाकी है. अभी ये चर्च के बारे में. सो दिस चर्च के आप देख रहे हो इस आर्किटेक्चर, ऊपर से ये जो सन रेज आ रहे हैं ना इट इज़ लुकिंग सो नाइस. और ये जो आर्किटेक्चर है ना ये बिल्ड किया था गाउडीज आर्किटेक्चर बोलते हैं, एंटोनियो गाउडीज वो आर्किटेक्चर का नाम था. और इसका जो उसका है ना एक यूनिक स्टाइल है आर्किटेक्चर का. आप आगे मेरे यू नो आगे इस ब्लॉग में देखोगे देख सकते हैं सो मच रश है, इतना क्राउड आता है. ये मोस्ट विजिटेड फेमस प्लेस है टूरिस्ट, सो दैट्स वाई हमेशा ऑनलाइन टिकट बुक करना. और ऑनलाइन टिकट आपको यू नो अराउंड यहाँ से बुक करते हो तो भी आपको अराउंड 30-40 यूरोज है. अप्रॉक्सीमेटली प्राइस कुछ 26 यूरोज था. और यहाँ पे ऑनलाइन वो साइड पे कम यू आई विल शो यू. यहाँ पे ऑनलाइन कोड दिया हुआ है. सो यस, यहाँ पे ऑनलाइन कोड है. अगर आपको ये ऑनलाइन कोड से अगर टिकट्स निकालते हो सो यू हैव टू पे इट बाय क्रेडिट कार्ड. डू रिमेंबर, मेरी फ्रेंड अभी जो बोल रही थी कि शी कैन नॉट गो इनसाइड बिकॉज या दे रिक्वायर अ क्रेडिट कार्ड. सो आप ऑल द वे यहाँ पे आते हो आप यहाँ से टिकट नहीं बुक कर सकते हो. डू रिमेंबर दैट. ये चर्च के गाइडेड टूर के साथ मैंने और एक पार्क का गाइडेड टूर कंबाइंड में बुक किया था कुछ 76 यूरोस में. वहाँ पे मैं आपको बाद में लेके जाती हूँ, सबसे पहले जाएंगे दूसरी जगह पे. चलो मैं आई हूँ यहाँ पे. अभी हम लोग आए हुए एक ना इंस्टाग्राम का यू नो टूर है जिसमें वो लोग हमको कुछ 25 फोटोज क्लिक करके देंगे. एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर होने वाला है वो फोटो क्लिक करके देने वाला है. सो दिस टूर वॉज अराउंड 44 यूरोज का था, 2 घंटे का है. यू नो बार्सिलोना के और एक सब इंस्टाग्राम के लोकेशंस पे लेके जाएंगे जो स्पेशल स्पेशल अपने टूरिस्ट अट्रैक्शंस है और प्रोफेशनल फोटोग्राफर फोटो निकालेगा. तो अभी इंस्टाग्राम पे अभी बाय गॉड्स ग्रेस आप लोगों के सबके यू नो सपोर्ट के वजह से आई एम इन्फ्लुएंसर नाउ ऑन इंस्टाग्राम. और अपने वहाँ पे ऑलमोस्ट 74K फॉलोवर्स है तो डेफिनेटली ये तो इंस्टाग्राम के लिए बनता है राइट. सो अभी आई एम ऑल रेडी फॉर माई फोटोशूट. सी आपको दिखाऊंगी मैं फोटोशूट करते करते. सो वहाँ पे हमारी फोटोग्राफर है वो ऑलरेडी फोटोशूट कर रही है. सो लेट्स स्टार्ट इट. इंस्टाग्राम शूट, इंस्टाग्राम टूर शूट. और हम लोग खड़े हैं अभी गोलतिर सेंटर पे. सो दिस इज बेसिकली इट वॉज अ रॉयल का नेबरहुड इन दैट अर्लियर ओल्ड टाइम्स, बट अभी ये एरिया जाना जाता है ऑल यू नो फॉर दिस. बहुत ही यहाँ पे पुराने बिल्डिंग्स है, ओल्ड आर्किटेक्चर है, एवरीथिंग. सो बट वी आर हैविंग आर लवली फोटोग्राफर हेलो एंड शी इज क्लिकिंग आर इंस्टाग्राम टूर. So I would highly recommend you if you are here in Barcelona to opt for this tour. Who love photos and who are Instagram influencers. Yay. So this is the best option. She's Ooh. Really cool. Thank you, dear. See you. Yeah.
And I met today my lovely friend, Hi. Vanessa. Hello. Hola. Hola. Hola from Spain. Buenos dias. Yeah. And guess what? She's a German. Oh. And she lives where you live? In Mainz. In Mainz, yeah. So she's from Mainz. And now I have one more German friend. Yay! And thank you so much. It was so nice with you. We had a nice Instagram tour, photo click and all. And she's an awesome photographer also. Although we had a photographer, but Vanessa clicked such an awesome pictures. Oh, yes. We have very good time here. Yeah, indeed. Danke schön, Vanessa. That's so sweet. फैमिलिया चर्च से मैंने कंबाइंड टूर लिया था पार्क गोयल का, जैसे मैंने आपको बताया. तो वो टूर वालों ने ही हम लोग को बस अरेंज किया था पार्क तक जाने के लिए. और दिस इज़ द बेस्ट, यू नो, आपको खुद से एक्सप्लोर करना नहीं पड़ता है, ढूंढना नहीं पड़ता है, स्पेशली सोलो या कहीं ट्रैवल करते हो. पार्क है ये पार्क गोयल, ये नॉर्मल पार्क नहीं है, इसको गाउडी पार्क भी बोला जाता है बिकॉज ये एंटोनियो गाउडी इसका आर्किटेक्ट था. और यहाँ पे आपको पार्क में डिफरेंट आर्किटेक्चर एलिमेंट्स बिल्डिंग्स दिखाई देंगे. सो इसका एंट्री कुछ अराउंड 10 यूरोज है. आप गाइडेड टूर भी बुक कर सकते हो अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, तो आई वुड एडवाइस कि आप गाइडेड टूर बुक करना. कुछ अराउंड 9 बजे हुए थे और मैं आ गई मेरे हॉस्टल में. तो आई तो देखा तो क्या यहाँ पे कुछ फैशन मार्केट लगा हुआ था, कपड़ों का सेल लगा हुआ था. यार दिस वाज इंटरेस्टिंग. हॉस्टल्स में ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज होते रहते हैं, यू नो, पार्टी सेल सब कुछ. तो कपड़े वैसे तो हर एक डिफरेंट ब्रांड्स के कपड़े थे, इट वॉज नॉट डैट एक्सपेंसिव ऑल्सो. वैसे तो मैंने कुछ लिया नहीं और मैं निकल पड़ी अपना डिनर के लिए. तो रात के कुछ अराउंड 10:30 बजे, बट आप देख सकते हो कितना क्राउड है यहाँ पे और इट वॉज सो लाइवली. और हॉस्टल के सामने ही यहाँ पे सुपर मार्केट भी है, आप कुछ चीज़ें वहाँ से भी ले सकते हो. तो यूरोप में ट्रैवल करने के लिए समर इज़ द बेस्ट टाइम. तो यू नो, बिकॉज एवरीवेयर इट्स मोस्टली लाइवली. रात के 10:30 बजे तक क्राउड रहता है और आप देख रहे हो रेस्ट, इट इज़ वेरी सेफ, यू नो, अभी भी. सो हाई गाइस, दिस इज जनरेटर हॉस्टल. मैं अभी आपको थोड़ा सा अपना हॉस्टल का टूर दूंगी. ये जो हॉस्टल्स होते हैं ना, आप यू नो आर रियली अफोर्डेबल हॉस्टल्स होते हैं. तो आपको बुक करने के लिए booking.com या hostel.world से आप हॉस्टल्स बुक कर सकते हो. मेनली दिस इज स्पेशली वेरी नाइस फॉर द यंग यूथ क्राउड, यू नो, बिकॉज यहाँ पे अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो, आप रियली बहुत एंजॉय कर सकते हो बिकॉज आपको डिफरेंट कंट्रीज से लोग आते हुए मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेरे अभी फीमेल डॉर्म में वहाँ पे 6 लड़कियाँ थी, कोई US से है, कोई स्टेट से थे, कोई UK से थी. सो इट वॉज़ वेरी नाइस, यू नो, आप दूसरे लोगों से मिलते हो. नॉट ओनली दैट, हर बार हर एक हॉस्टल्स में, यू नो, नाइट में नाइस बार में पार्टीज होते हैं, डांस होते हैं, वहाँ पे आप नए लोगों को मिल सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट, येस, अगर हॉस्टल्स आप फैमिली के लिए बुक करना चाहते हो, आप कर सकते हो. फैमिली के लिए भी रूम्स रहते हैं, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल कपल्स वगैरह के लिए भी कुछ प्राइवेट रूम्स रहते हैं, आप वो भी बुक कर सकते हो. बट येस, मोस्टली आपको यहाँ पे ऐसे यंग क्राउड्स ही मिलता है. अभी चलो हॉस्टल दिखाती हूँ. तो ये है रेस्टोरेंट एरिया हॉस्टल का. एम्बियंस बहुत ब्यूटीफुल है, इजंट इट? तो अगर आप पूछोगे रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट एंड ऑल इंक्लूडेड रहता है, तो नहीं रहता, यू हैव टू पे सेपरेटली. इसका 7 यूरोज से या के आसपास था ये रेस्टोरेंट में. सो डिपेंड करता है, कोई के रेस्टोरेंट में 7 to 10 यूरोज भी रहता है ब्रेकफास्ट का. रेस्टोरेंट था और बाजू में ही बार है जहाँ पे पार्टीज एंड ऑल होती. ऊपर है इंटरनेट एंड गेमिंग जोन. और अभी यहाँ पे आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या है काम. ये साइड पे ऑब्वियसली लॉबी एरिया है, रिसेप्शन है, वो साइड पे अपना यू नो रेस्टोरेंट्स एंड बार है. यहाँ पे एटीएम की भी मशीन है. और अभी चलो ऊपर जाके आपको वो इंटरनेट का ना गेमिंग जोन वाला एरिया बताती हूँ. चलो चलो चलो. बहुत बड़ा है, स्विमिंग पूल सब कुछ है. और ये जो सामने देख रहे हो ये है यू नो गेमिंग जोन. यहाँ पे कुछ फोटो का भी था, दिस वॉज समथिंग न्यू, फोटो निकाल सकते हो खुद के. तो अभी चलो डॉर्म में आ गए हम लोग चलते चलते. सो ये है हमारा रूम, फीमेल डॉर्म है. अगर आपको रूम्स कैसे होते हैं, फीमेल होते हैं, मिक्स डॉर्म्स होते हैं और प्राइवेट रूम, डिपेंड करता है आपको कैसे लेने हैं. तो यू नो प्राइजेस भी डिपेंड करता है बेड के हिसाब से. एक रूम में अगर 4 बेड है, 6 बेड है, उसके हिसाब से प्राइस डिफर होती है, बढ़ता है प्राइस का रेंज. यहाँ पे 6 बेड्स थे 1 रूम में. तो अभी बात करते हैं रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ स्पेन ट्रैवल.
अगर मैं बात करूँ तो हॉस्टल का 3 nights का मुझे 120 यूरोस कॉस्ट हुआ था फीमेल डॉर्म का, जैसे आपने देखा। और अगर प्लेन के टिकट्स की बात करूँ तो 120 यूरोस में मुझे प्लेन का रिटर्न टिकट आया था, दैट वाज आल्सो नॉट दैट एक्सपेंसिव। और ट्रैवलिंग तो मैंने आपको दिखा, 16 यूरोस में मैंने होल सिटी ट्रैवल किया, यू नो सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया। खाना पीना वॉज ऑल्सो नॉट दैट एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। ऐसा यू नो लैंग्वेज में होता है, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में आते हो फ्यू पीपल आपको मिल जाते हैं। लैंग्वेज के ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगी, यस स्पेन के कुछ फ्यू वर्ड्स। सो ऑब्वियसली आप कोई भी कंट्री में जाते हो आपको वो कंट्री के फ्यू वर्ड्स तो सीखने चाहिए, राइट? तो स्पेन के कुछ फ्यू वर्ड्स, स्पैनिश, स्पेन क्या बोल रही हूँ, स्पैनिश के फ्यू वर्ड्स। सो फर्स्टली यू नो होला, होला इज़ लाइक हाई, एंड ग्रासियस, ग्रासियस, ग्रासियस इज़ बेसिकली थैंक यू, थैंक यू को वेलकम में अगर आप बोलोगे तो बोलोगे प्रेगो। सो और यस को बोलते हैं सी, सी। सो या दिस इज़ लाइक द फ्यू स्पैनिश वर्ड। स्पेन बार्सिलोना का ये ट्रैवल ब्लॉग यहाँ पे ही एंड करूँगी मैं। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा गाइस, तो डू नॉट फॉरगेट टू गिव दैट बिग लाइक टू माई वीडियो, लाइक ज़रूर करना दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल दैट टाइम ऑफ डिजेन एंड चीज़।